दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्निसेन गहलोत को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने समन भेजा है। समन भेजकर उनको आज यानी कि सोमवार को पूछताछ के लिए जयपुर बुलाया गया है। बता दें कि अग्निसेन गहलोत पर सब्सिडी वाले उर्वरक यानी कि खाद का कथित अवैध निर्यात करने का आरोप लगा है। दोस्तों बता दें कि पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कथित उर्वरक घोटाले के मामले में अग्निसेन गहलोत से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। अग्निसेन गहलोत के घर और प्रतिष्ठानों पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 22 जुलाई 2020 को छापेमारी की गई थी। ईडी ने तब भी उनको समन किया था, लेकिन तब अग्निसेन गहलोत पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए थे। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच ने पिछले हफ्ते ही अग्निसेन गहलोत की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने माना था कि अग्निसेन गहलोत जांच में ईडी का सहयोग करेंगे। ये फैसला अग्निसेन गहलोत की याचिका पर उन्हें अंतरिम राहत देते हुए दिया गया था, लेकिन इस मामले में कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को ही अब निशाना बना रही है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र की बीजेपी सरकार जानबूझकर राजस्थान सीएम के करीबियों को निशाने पर ले रही है। दोस्तों आपको बता दें कि अग्निसेन गहलोत पर आरोप है कि वो स्वामित्व वाली कंपनी म्यूरिएट ऑफ पोटाश यानी कि एमओपी फर्टिलाइजर का निर्यात कर रही थी, जो निर्यात के लिए प्रतिबंधित है। एमओपी को इंडियन पोटाश लिमिटेड यानी कि आईपीएल द्वारा आयात किया जाता है और फिर इसे किसानों के बीच रियायती दरों पर वितरित किया जाता है। दोस्तों आरोप है कि अग्निसेन गहलोत इंडियन पोटाश लिमिटेड के अधिकृत डीलर थे और 2007 से 2009 के बीच उनकी कंपनी ने रियायती दरों पर एमओपी को खरीदा और इसे किसानों को वितरित करने के बजाय कुछ अन्य कंपनियों को बेच दिया था। उन्होंने इसे इंडस्ट्रियल सॉल्ट के रूप में मलेशिया और सिंगापुर को निर्यात किया था। तब भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई की कंपनी ने कथित रूप से सब्सिडी वाले उर्वरक का निर्यात किया जो घरेलू उपभोग के लिए था। बीजेपी ने कहा था कि अग्निसेन गहलोत की कंपनी ने देश के किसानों के लिए आयात किए जाने वाले उर्वरक पोटाश के मुरेट का निर्यात किया था। तब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि ये सब्सिडी की चोरी का एक स्पष्ट मामला है और ये सब 2007 से 2009 के बीच हुआ, जब कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए केंद्र में सत्ता में थी। उस समय अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। जिस तरह सस्ती दर पर उर्वरक का निर्यात किया गया था, संदेह उठता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो सकता है। हालांकि अग्निसेन गहलोत ने उस वक्त सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। अब इस मामले की ईडी ने जांच शुरू की थी और ऐसे में कई बार अग्निसेन को समन दिया जा चुका था। ईडी ने पहले भी उनको समन दिया था और वो पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए थे। दोस्तों इस मामले पर आपकी क्या राय है, ये बात हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।